इस वीडियो में कुछ वर्ड्स का यूज बार बार करा गया है, सो उसे इग्नोर करें और वीडियो पूरी अंत तक देखें। तो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रोशनी और आप देख रहे हैं हमारा गेमर आइवन भैया का चैनल गेमर आइवन। तो मैं क्या करूं, जाओ छोड़। नहीं, कोई बात नहीं। आज फिर से हम लोग अपनी कंट्री कर रहे हैं अपने हार्ट वाली सीरीज, जिसका नाम हमने डाल रखा है हार्ट वाला वर्ल्ड। सो इसमें यहाँ पर इसलिए हम लोग हैं क्योंकि आप लोग को ये यकीन दिलाना है कि हम इस सीरीज में कोई चीटिंग नहीं करना है। वैसे ढंग से प्रोनाउंस नहीं करा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा तेज बोलो। सो हम आ चुके हैं अपने हार्ट कोर वाली सीरीज में, सीरीज में नहीं वर्ल्ड में। सो हम जहाँ पर को पिछली वीडियो एंड, वो अभी तक देख ला है, अब तो चिपकी ऊंची ना जाने से। जहाँ पर को हमने पिछली वीडियो एंड करी थी, ऑफकोर्स हम वहीं होंगे। सो अभी रात हो रही है और हाँ सो जाते क्योंकि ये हार्ड वर्ल्ड है, तो कोई कोई भी रिस्क लेना नहीं। मैंने रिस्क ले लिया, कहीं कॉलम आके मुझे पीटने लग जाए। वैसे ये हार्ड वर्ल्ड है तो ऐसा हो सकता है, नॉर्मल वर्ल्ड में तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर हार्ड वर्ल्ड का मैंने पता, ध्यान से बात करना। प्लीज डॉगी, देख ले आसपास कोई गोलम तो नहीं है, कुछ गांव में है ही नहीं। ओ इतनी ऑब्वियसली। दूर क्या है, इतनी दूर तक गांव है। ओके, ऐसा करते हैं हड्डी से सामान तोड़ लेते हैं। अब मुझे अभी रिस्क बिल्कुल लेने नहीं है। आपको देख लिया तो यार सीधे रेड पड़ेगी, यही एंड होता है गाइस, ऐसा बोलना पड़ेगा। अभी यहाँ पर से मुझे सामान लूटना है। मुझे डाइस इस गांव से, मुझे दूर जाना पड़ेगा, मुझे इस गांव से दूर जाना पड़ेगा। उन गांव वालों को भी उन प्लेजर से बचाना है, और मेरे ख्याल से वो गांव वालों को तो कुछ भी नहीं करेंगे, सारी उसकी दुश्मनी मेरे से, तो वो सारी दुश्मनी भी मेरे ऊपर निकाल देंगे। और ये मतलब क्या चल रहा है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े तालाब है और मुझे भूख भी लग रही है यार। मुझे अब इतना तो भरोसा हो चुका है गांव में, मेरा जल्दी जाना दोबारा नहीं होने वाला। और सबसे पहले पेड़ यहाँ पर बहुत सारे हैं, ऐसा करते ही अपना घर किसी यहीं खुले मैदान में अच्छी से जगह देख बना लेते। अभी मैं गाइस यहीं से ऐसे गुजर रहा था और मुझे ही पता नहीं घोड़ा लगा, मुझे लगा जोम्बी हॉर्स है, जोम्बी हॉर्स वाला जो होता है ना स्केलेटन वाला, शायद से वही है। लेकिन जोम्बी हॉर्स भी होता है एक्चुअली, वो ग्रीन कलर का होता है, हाँ जो कि मिलना एकदम रेयर है, बिल्कुल रेयर है। लेक भी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा करते काफी खुली जगह है, यहीं पर को अपना डेरा बना लेते हैं, डेरा डाल देते हैं, मतलब बना लेते मैं हैं, क्या होता है। हाँ आप एक काम वो करो, मेरा डॉगी वहीं पर को रह गया बैठा हुआ। चलो वो तो लोकेशन पता है, आप इतने से होना चाहिए काम। भाई हाँ भाई कॉपर स्टोन माइन का लो, तो कॉपर हमें स्टोन माइन कॉपर करो, स्टोन चाहिए और साथ में साथ ही साथ ही साथ ही साथ ही कोल चाहिए। कोल तो के नीचे आयरन चाहिए। कोल के नीचे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम ढेर सारा कोल माइन करके यहाँ पर से जल्दी से अपने घर की तरफ निकल लेते हैं, और ढेर सारी कॉपर स्टोन माइन करके भी जाएंगे। कुछ भी बकता रहता हूँ, कहना क्या चाहते हो? आप भी देर यहाँ पर को माइन करने के बाद हमारे पास काम चलाओ, चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो चलते हैं अपने अड्डे की तरफ। अभी इसको अड्डा ही बोलेंगे, घर तो नहीं बोल सकते। किधर को था भाई? मुझे नहीं पता, मुझे मैं गुस्सा हूँ। इतनी देर में क्या हो गया, गुस्सा भी हो गई? हाँ, क्योंकि आपने मेरे को, मैंने जो बात बोली आपने वो बताई नहीं। अरे सो गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसके मोबाइल में पता नहीं अभी जो तो चल रहा होगा, इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसकी वीडियो अभी आ नहीं रही है। तो अगर आप लोग को इससे बातें करनी है, इसका इंस्टाग्राम और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ में ये मेरे साथ मेरी वीडियो में आती रहेगी। हाँ, तो आपको मिस करने की जरूरत नहीं है वैसे भी। वो बात अलग है, चाहे मेरी वीडियो हफ्ते में एक आती है। तो आयरन यार, आयरन की नीड अभी भी हमें बहुत है। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में सबसे पहले हम आयरन ही ढूंढने चलते हैं, एक आयरन की शॉर्ट बना लेता हूँ। बकेट भी जरूरी है हार्ड कोर के लिए, तो ऑब्वियसली जरूरी है। यहाँ पे रहिए ना, यहाँ पे सब कुछ आएगा। एक बकेट भी यहाँ पर को हम बना ही लेते हैं, एक क्या दो बना लेते हैं। हमने पानी ले लिया है और हम जा रहे हैं अब। अब हम जाएंगे माइन पे, और माइन हमें मिलेगी गुफा में, गुफा हमें मिलेगी जमीन पे। कुछ भी बकती रहती है। ओ ये मेरी ये वाली पिकैक्स यहाँ क्या कर रही है? अभी हमें ये वाली पिकैक्स नहीं चाहिए, तो हम अपनी अगर माइनिंग डायमंड मिल गया तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी काफ़ी देर स्ट्रेट माइंड करते हुए हमें आयरन मिल चुके हैं। तो सबसे पहले इस काम हम आपको दिखाना चाह रहे थे, तो हम जल्दी जल्दी आयरन को तोड़ लेते हैं और हम बताया
लेवल 9 पे पहुंचे हैं, तो अब यहाँ से हम अपनी स्ट्रेट माइनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल 12 वैसे आज मैं बताऊं, लेवल 12 में ज्यादा डायमंड्स नहीं है, तो वो जो भी है मुझे अब यहीं पर को माइन करना है। तो सबसे पहले यहीं पर से हम अपनी स्ट्रेट माइन स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेट माइन, ओ ये नए ब्लॉक है, ये कौन से ब्लॉक है? मेरे पैर। अच्छा ये, ओ रेडस्टोन मिल गया। सो हम अपना कंपास बना सकते हैं और काफी दूर दूर तक अपने निकल सकते हैं। तो रेडस्टोन तोड़ने के लिए हमारे साइड होगी आयरन वाली पिकैक्स। क्या बकसात बकसात बकवास कर रही है? अबे पीछे कॉपर, ये न्याम न्याम। क्या बोलना चाहते हो? और यहाँ पर को इसी के साथ हमारी क्या कहते हैं टॉर्चेस भी खत्म होती हैं। सो हमारी स्ट्रेट माइनिंग ऐसे बोल सकते हैं कि सफल रही, क्योंकि हमें ढेर सारे तो नहीं मतलब मिल चुके हैं, 25 रेडस्टोन मिल चुके हैं और ये रॉ आयरन मिल चुके हैं, कॉपर हो रहा है, रॉ आयरन भी मिल चुके हैं पास तो, और ये रॉ गोल्ड भी मिल चुके हैं। तो स्ट्रेट माइन मतलब आज की माइनिंग मतलब सफल बोल सकते हैं इसको तो। मतलब रात हो रही है, मैं यहीं पर को अपना बेड डाल के सो जाता हूँ और ये वीडियो को मेरा जमाओ और आप सो जाओ। क्या हुआ? चांद देख रहा था भाई। ओ भाई तो मतलब नई आयरन शॉट का मजा चखने की जरूरत है। और मेरे सामने काफी ढेर सारे क्रीपर हैं यार, और क्रीपर भी दिन में जलते नहीं है, तो मैं भूल गया था, इसका मतलब मुझे यहाँ खतरा है। भागो बगले। अबे एक क्रीपर नहीं है, बहुत क्रीपर है। मैं तो सोच रहा था इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे, लेकिन ऐसे कैसे एंड करके भाग जाऊं अगर आपने इन ज़ॉम्बीज़ का सफाया करके हम इस वीडियो को यहीं पर को पता है ना। पानी में से तो कुछ भी नहीं होगा, पानी में तो बच सकते है ना। ए फूट जा यहीं पर को, मतलब पानी की बकेट से तो कुछ नहीं होगा। ये नाना बनकर ये कैसे रो रहा है यार? तू रो रहा है, इसको देख। अब मैं उसके ज्यादा बकवास करना बंद कर यार मेरी। अब पानी की बकेट, अब मैं इसके पानी का चक्कर गोल गोल घुमा थोड़ी नहीं सकता हूँ यार, मुझे इसको मारना पड़ेगा। और पानी, अगर मैं पानी में रहूंगा तो मुझे ज्यादा डैमेज नहीं होगा ना? एक्चुअली बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, एक्चुअली वो पानी के अंदर नहीं है और एक्चुअली मैं पानी के अंदर हूँ। हाँ तो बहुत डैमेज होगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसका असर आपके लिए उतना ही पड़ेगा, आपकी जगह को भी डैमेज मिलेगा और आप भाग ले बेटा, भाग ले, भाग भाग भागा भागा। ये अब ये क्या चल रहा है यार, मुझे भागने दे, मेरे पास ऑलरेडी शील्ड है, मैं शील्ड का यूज क्यों नहीं करता यार? हाँ तो शील्ड यूज करो ना, क्रीपर आपको कोछाऊ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी बिगाड़ेगा, मुझे पता है बिगाड़ेगा, एक्चुअली ये बिगाड़ेगा, बहुत कुछ बिगाड़ेगा। हर जगह मुझे अपनी मतलब सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा। ये ऐसा मतलब कुछ भी अनाउंसमेंट करना जरूरी नहीं है, और मैं देखिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सीरीज को जल्दी से जल्दी एंड नहीं करूँ। अब मैं अपने हार्ट रिकवर कर लेता हूँ। वीडियो एंड करने से पहले हम अपनी जल्दी से यहाँ पर को चार दीवारी बना लेते हैं। सो बहुत हो गया, अब इस वीडियो को यहीं पर को एंड करते हैं। होप सो गाइस इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, हम दोनों की तरफ से बाय बाय।